आपको कैसा लगा? चलो अब ओपन करके दिखाओ हमें सारे के सारे। तो खराब हो गया नहीं खराब हो गई स्प्रे और बेड पे बिछा लेना खुशी के आंसू साफ कर लो पहले चाहे अपने जेल में अब बताओ असल मेरा तबीयत तो खराब होती है अल्लाह पाक खैर करेगा कुछ नहीं होता ये लोग क्या है चलो हम अपने इस इतने शौक से तो आपके लिए ना गिफ्ट लेकर आए हैं खोल के हमें दिखाओ कैसा काम है आपको कैसा लग रहा है रोते नहीं होते चलो अब ओपन करके दिखाओ हमें सारे के सारे एक मिनट टिकटॉकर बेचारा तो है तो उसके ये हम खुशी के आंसू हैं ईशा इतने सारे गिफ्ट पार्टनरशिप करोगे इसलिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए पार्टनरशिप करोगे देखिए खुशी में आंसू आ गए छोटे छोटे नाम तो पढ़ लो पहले पढ़ के बताओ ना ईशा कौन सा है किसका मोहम्मद हसनैन ये मैंने लिखा बेशक जैसा भी लिखा गया पर मैंने लिख दिया यूट्यूब से स्पेलिंग देख के नहीं नहीं इसका नहीं मैंने देखा व्हाट्सएप पे नंबर सेव था वहाँ से देख ये देखा है ये मैंने लिखा है नहीं चुप करो नहीं खुलेगा कैसे खोल इसको पाड़ दो पाड़ दो खोल लो खराब कर दो इसको कुछ नहीं होता उन्हें दिखाओ चन भाई आप साथ करवा दो ना इधर बैठ ये हमारे भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए आपको मिलेगा कुछ भी नहीं भाई कोई बात कोई पार्टनरशिप पार्टनरशिप तो होगी थोड़े से नहीं ज्ञान का तो मैंने ज्ञान लेना भाई स्नान के साथ इसने दिए जिम जाती है तो अब भी आगे मेरा ये कुछ पढ़ भी लेना है मैंने लिखा क्या है यूट्यूब से देख जो भी लिखा है वो लिखा है चलो यूट्यूब से देख के ना बड़ी बड़ी ये बेस्ट विशेस फॉर हिना और अल्लाह पाक आपको खुश रखे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे आमीन 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 तो हिना ने हमारे लिए क्या लिया हेल्पर करा किया हेल्पर को देना हेल्पर चीड़ फाड़ देगा आपके सारे और ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की तरफ से है तो इसको मैं तब तक ओपन करती हूँ श्यान भी ओपन कर रहा है श्यान के तेरी बोतल में सो रहा है ईशा तेरी बोतल पे कब्जा कर लिया श्यान ने श्यान ने कब्जा कर लिया ईशा अब क्या करोगी अभी ये देखो ले लेना की तरफ से अभी इसके अंदर भी खोल के देखना कुछ वाओ खोल के देखना वाओ टोस्टिंग करी जा रहा है इसके अंदर भी कुछ है ही ना कह रही है हाँ जी इसके अंदर क्या है खोल के देखो शापर ही होंगे नहीं 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 शापर नहीं है और भी है और भी बहुत कुछ है और भी और क्या क्या लगाने तो हिना नहीं है इसलिए ये भी लेके आई नहीं ये मैं मैचिंग लेके आई थी इसके साथ यही है बस नहीं नहीं बस इसलिए तो फायदा होता है अपने जाने से अपना मन पसंद की चीज ले लेते आप मुझे कह रहे थे मैं इसलिए नहीं लेता और क्या है अभी कैसा लगा और भी है नहीं ये मरी मापी की तरफ ये क्या है चॉकलेट मेरी इतना अच्छा केक तो सारा खराब हो गया नहीं खराब हो गई स्प्रे और ये अच्छा अच्छा डेरी नहीं पैरा मेरे मुंह से बहुत पसंद है और तो फिगर का पे है और ये इग्नोर मेरी तरह गिफ्ट बना कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये सवेरा शाम की तरफ ये भाई और भाभी की तरफ से है लिखना भूल गए हम इधर दिखा जल्दी जल्दी लिखना हेल्पर हेल्पर अंग्रेज की राइटिंग नहीं पढ़ी जाती आपको इतना पता फ्रॉम ज़ारा
आगे आगे पढ़ो क्या लिखता है। आगे पानी मारी सारा इफ्तिखार। हाँ, बेडशीट अपने बेड पे बिछा लेना। देखो ईशा कैसी लग रही है आपको। हस्बैंड वाइफ से काम भी आए ना चीज बहुत हो जो प्यारी लगे। बहुत प्यारी कलर देखो। ये मेरी पसंद है। बहुत प्यारा है कलर। प्यारा है बताए आपने जहेज में रखनी है क्या अभी इस्तेमाल करनी है। जहेज में रखूंगी इसको यहाँ पे रखते है। आंटी ये आंटी का गिफ्ट आया। अंकल जल्दी जल्दी खोलो। मेरी आंटी का गिफ्ट आया। नहीं अंकल मेरे पास। मेरी आंटी का गिफ्ट आया। पानी का आंटी का आया। पिंक कलर के ये जारा ने गिफ्ट किए हैं जिम के लिए ना। हाँ जिम न्यू पहन के जाया करोगी ना। वाटर बॉटल प्यारे बहुत है। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं पर ये लड़कों को डलते नहीं है। पिंक नहीं था ना। पिंक नहीं है व्हाइट थे दूसरे थे। अब पिंक ले पूरे या चेक करना। हाँ पूरे हैं। पूरे मेरा साइज है ना। सात नंबर गाइस। जैसा कि आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा होगा कि मैं रोती रही और आप लोगों को ये लग रहा है मैं इमोशनल हूँ। मैं इमोशनल नहीं हुई थी और मेरे साथ सिचुएशन ऐसी बनी। एक तो मेरी बर्थडे थी और दूसरा ये था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से मेरी तबीयत जब ख़राब हो गई ना तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और जब ये शोर हुआ था सब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरा पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मेरा ना रोना खुद ब खुद निकली जा रहा था और मैं रोने लग गई थी। ऊपर से मुझे ये था कि यार बर्थडे और इतनी बोरिंग सी सेलिब्रेशन क्योंकि मैं हर बार ग्रैंड टू ग्रैंड ही करती हूँ। ये एक ऐसी बर्थडे गुजरी है जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी। चले कोई नहीं होता रहता है और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। कहते हैं नज़र इज रियल और शायद मुझे लगता है और सब ये कह रहे हैं कि आपको नज़र लग गई है। ईद के फर्स्ट और सेकंड डे में मैं कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। अभी आप लोग हंसेंगे कोई बात नहीं ये मेरे घर वालों को लग रहा है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। आप लोगों ने दुआएँ करनी है और दुआओं में याद भी रखना है। मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगरबान।